हेलो हेलो। हाँ, क्या है ना, ये मैं स्कूल के टाइम पे देखा था। उसके बाद में एक बार बीच में वो जो 2x2 4x4 मैट्रिक्स रहता ना, नहीं नहीं वो नहीं इतना वहां याद पे वहां नहीं जाना, वहां जाने ही नहीं आया। उससे शुरू भूल जाओ उसको, वहां जाने ही नहीं मतलब आया। मुझे इतना ही पता था मुझे। अच्छा नहीं, हमें वहां जाने ही नहीं है उस लाइन पे। ठीक है, एक्चुअली में मैट्रिक्स मतलब जो माया का तो मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैं सपोज करो कि मैं अगर इसको तो तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं ना, तो ये प्लस में शेयर और प्लस में एक क्वाड करके वो एक होता है, वो मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता है, एक क्वाड करके होता है। ठीक है, तो मतलब ये पांच को अगर हम कंबाइंड करते हैं तो ये तो मैट्रिक्स बनता है। अगर मैं इसको सपोज करूं, अभी अगर मैं इसको देखूं ना, इसका मैट्रिक्स जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ग्रिड पे है। ठीक है, अगर मैं इसको अगर मैं उठा के सपोज करो यहाँ कर दिया मैंने और यहाँ कर दिया और इसको मैंने स्केल करा प्लस थोड़ा सा और रोटेट करा, तो इसका क्या है, ये वह यहाँ से लेकर ये यहाँ गया, तो ये अलग से इसका मैट्रिक्स बनाया। मीन्स इसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो बस जो भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है माया के अंदर क्या होता है, तो वो एग्जैक्टली कैलकुलेट करता है पॉइंट टू पॉइंट। बराबर। ठीक है, उसको हम लोग मिली बस मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस यस। ठीक है, अभी मैं इसको फिलहाल में जीरो कर दे रहा हूँ, वन वन। ठीक है, और अभी मैं चलता हूँ फिर, मतलब इतना आया ना आपको, क्लियर हुआ ना इतना? हाँ बहुत पता है। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ इसके अंदर एट्रीब्यूट एडिटर में, शेप नोड में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफसेट मैट्रिक्स। तो आपको जो हमारा ट्रांसलेट तो रोटेट स्केल इधर है, सेम इधर है। ठीक है, अगर मैं इसको भी सेम करूँगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ गया सेम हुआ का। बट इसका क्या है, ये मैट्रिक्स अलग चलता है, मतलब ये इसके अंदर नहीं शो होगा क्योंकि ये माया की कैलकुलेशन अलग है, और ये वाली जो कैलकुलेशन होती है ये अलग चलती है। ठीक है, तो अगर मैं मतलब इसको इसके अंदर भी 2 2 2 कर देता हूँ और इसके अंदर भी 2 2 2 कर देता हूँ, तो ये ऐड कर देगा इनको सबको, तो तीनों को इसने इसको मतलब जो ऊपर वाला ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट है इसके अंदर और तो मैट्रिक्स के अंदर है, इसको ऐड कर दिया इन दोनों को। ठीक है, अब मैं इसको वापस से 0 0 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और इस शेयर का देखना अब आप, तू शेयर का भी एग्जैक्ट क्या होता है ये मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या करता क्या ये शेयर। शेयर जहाँ तक मेरा जो ज्योमेट्री है या कुछ भी ऑब्जेक्ट है उसको पूरा क्या करता है, इसका पढ़ना पड़ेगा मेरे को भी। ठीक है, इसका मैंने नहीं पढ़ा। वो तो मैं पढ़ूंगा, देखूंगा। ठीक है, तो अभी ये चीज है, अब मैं आता हूँ तो मैट्रिक्स टैब के ऊपर। ठीक है, और तो मैट्रिक्स का जो टैब है ना, इसका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मतलब पूरा यूट्यूब भी अगर आप ढूंढ लोगे या पूरा गूगल भी ढूंढ लोगे तब भी नहीं मिलेगा इसका कुछ भी ट्यूटोरियल। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से समझा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि पता नहीं कोई इंटरव्यू में शायद पूछ सकता है इसलिए। ठीक है, कि अगर आप इसको करते हैं, मतलब देखिए ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट जेड,
ये ट्रांसलेट ही है क्या? क्या चीज? हाँ ये देखो, ट्रांसलेट ही है क्या? हाँ देखो, अगर मैं यहाँ डाल रहा हूँ तीन, तो आप देखेंगे यहाँ तीन, ओके, इधर उल्टा है क्या? अगर मैं डालूंगा यहाँ पांच तो यहाँ या पांच, और मैं अगर यहाँ हाँ डालूंगा मतलब चार, ये चार डाल देता हूँ तो यहाँ आ गया चार। ओके, मतलब इधर से ये ऑर्डर उल्टा है। हाँ तो ठीक है, तो ये आपका आ गया चार। ये आपके स्केल का चलता है, स्केल एक्स, स्केल वाई, स्केल जेड। अगर ओके मैं इसको देखूंगा, दो तीन चार, ठीक है, दो तीन चार, ठीक है। ये क्या है ना, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये 4x4 मैट्रिक्स है। हाँ, ओवरऑल क्या होता है, जो मैट्रिक्स को अगर आप इसके अंदर तो नहीं दिखाया हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्वाट जो है ना, तो क्वाट मिसिंग है आपका, ठीक है। अब मैं इसको कर दे रहा हूँ जीरो जीरो जीरो, ठीक है, इसको कर दे रहा हूँ वन, इसको भी कर दिया वन, और मैंने इसको भी कर दिया वन, ठीक है। अब आता हूँ ओके मैं शेयर पे, शेयर देखना, टू शेयर का थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ शायद कहाँ पे आता है। एक्स तो ये रहा, थ्री, फोर, ओके, ये ऐसे काम कर रहा है इसने, एक्स वाई और जी, ठीक है। इसका तो वैसे भी कोई इतना नीड नहीं है वैसे फिलहाल में। नहीं, तो इसको, ये चीज को तेरे को समझना है ना, तो हाँ तेरे को मैंने जैसा बताया ना, जो हम लोग स्कूल में पढ़ा था वो ना, अच्छा, क्रॉस टू क्रॉस बाई एल शेप में नहीं कनेक्शन, ये नहीं सब। इसका इसका टोटली अलग है, इसका टोटली अलग है। अगर आप, मैं देखो रोटेट में देख रहे हैं, टू अभी मैंने सिर्फ वही डाला, इसका देखा चार पे फैक्ट जाएगा, वन टू थ्री फोर, ठीक है। ये एक्स का है इसका, और देखो एक दो तीन चार, हाँ ये वाई का है, और ये जेड का है, एक दो तीन चार, ठीक है। ये कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है मेरे को ये नहीं पता, ये मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं एक्सप्लेन है इसका अभी तक, इसमें किस तरीके से वर्क कर रहा है इसका, ये ओके। कॉम्बिनेशन क्या है इनका, इन चार का, इस चार नहीं का और नहीं इस इस चार चीज का। के लिए तेरे को, इसके लिए तेरे को ना, मैं बताया ना, वो मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा, वो ओके okay. मैट्रिक्स का ट्यूटोरियल है, वो 2x2, 3x3, 4x4, उसको कैसे कनेक्शंस करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो ट्यूटोरियल में तेरे को बताएंगे ना, तो मैं तेरे को ये समझेगा वो, इसलिए वो जानना जरूरी है। ठीक है, वो भी देखता हूँ उसका क्या है। और ये हमारा क्वाड का है मेनली, क्वाड एक्स, क्वाड वाई, क्वाड जी, और ये क्वाड एक का डब्ल्यू भी होता है, ठीक है। ये ओके, उसके मतलब लिए क्वाड क्या होता है एक्चुअली, क्वाड एग्जैक्टली क्या है? क्वाट का मेरे को भी नहीं पता, अगर मैं इसको यहाँ देखूंगा ना विंडो, डिकम्पोज मैट्रिक्स में, अगर अभी ये क्या करता है, आउटपुट देता है, ठीक है, बट इसका यहाँ पे ही दे रखा है आउटपुट क्वाट, आउटपुट क्वाट एक्स वाई जी एंड यस, क्वाट डब्ल्यू, ये ओके मेरे को भी इसका एग्जैक्ट नहीं पता। बाकी हमारा ये ट्रांसलेट, शेयर, स्केल और रोटेट, इनको अगर आप टोटल करेंगे तो ये टोटल 16 वैल्यू है ये स्किन टोटल। होगा। हाँ ठीक है, तो ये ऐसा है जिसमें, हाँ, वही माया में ना 4x4 का ये होता है मैट्रिक्स, मैंने सुना है। ठीक हाँ तो बट इसका मतलब जो कंपोजिशन के अंदर और जो मैट्रिक्स टैब है, इसके अंदर का जो कैलकुलेशन है ना, दोनों के अंदर का टोटली अलग है। हाँ हाँ ओके,
है वो पढ़ लेंगे हम। पहले मुझे तो इधर थोड़ा फंडा क्लियर करूंगा ना, वो मैं उधर मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि वो जो मैं बोल रहा हूँ ये बोल तुझे बता रहे ना, ये दोनों को इंटर रिलेटेड है। अगर इधर का फंडा समझ गया मैं उधर से कैलकुलेट करके उधर से इधर कर लूंगा, समझ इसका रहा। मतलब मैं समझा नहीं मैं। मतलब मैं जो बता रहा हूँ मैट्रिक्स से जो कनेक्शंस बता रहा हूँ, हाँ जो मैट्रिक्स का प्रॉपर एक ये है क्लासेस है, ज्यादा लंबा ये ट्यूटोरियल नहीं है, छोटा छोटा ओके ही है। ठीक है, मतलब मैं एक बार तू उसको भी एक देखूंगा दिन बैठ के। हाँ वो देखेगा ना वो कनेक्शन क्या होता है, वेक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब मैट्रिक्स के बारे में उधर सब कुछ बता रहे हो, तभी उधर का जो साइड बाय साइड कनेक्शन रहता है सब एल में होता है स्क्वायर में होता है, जो कनेक्शन होता है ना तो उधर पड़ेगा तो इधर तेरे को समझेगा कि इधर क्या एक्चुअली हो रहा है, समझ रहे। ठीक है ठीक है, मैं बार इसको भी जैसा देखूंगा। अभी तूने मुझे पाइथन का ट्यूटोरियल दिया, मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो हाँ मुझे बहुत कुछ फंडा क्लियर इसलिए हो रहा है कि मैं माया का जो जितना भी बोलते ना मेल और पाइथन पढ़ चुका हूँ, हाँ तो इधर मैं पढ़ रहा हूँ ना तो इधर का कनेक्शन मुझे उधर मिल रहा है कि हाँ ये इसलिए उधर हो रहा था, ये इसलिए इधर हो रहा था, कनेक्शन मुझे मिल रहा है। तो सेम तेरे को ये मैट्रिक्स पढ़ेगा ना तो तेरे को इधर का भी कनेक्शन मिलेगा। ओके अभी तू ये जो जो तूने जो बता रहा है ना हाँ एज ए माया में क्या है, माया के अंदर क्या क्या चीज है, वही तू मुझे बता रहा है, या लेकिन उसका मेन चीज अभी मैं पढ़ रहा हूँ पाइथन, पाइथन और भी वास्ट है, हाँ, पाइथन बहुत ज्यादा वास्ट है, अगर जितना आप डीप में जाओगे उतना वास्ट होता जाएगा वो भी। राइट वास्ट है, उसमें से कुछ पार्ट हम लोग माया में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज हो रहा है बस। अभी इधर तू मुझे ये बताएगा, मैं जाके फिर तो अभी मुझे माया का तो मुझे बताएगा, मैं जाके बाद में। हेलो हेलो, हाँ भाई हाँ तू अभी इधर, जैसे अभी मैं माया पाइथन के बारे में थोड़ा पढ़ा, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था, अभी ये इसका वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे क्लियर हो रहा है, ठीक है। अभी तू या मुझे फिर से मैट्रिक्स माया वाला मुझे बता रहा है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो भी सकता हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आ भी सकता है, थोड़ा बहुत नहीं भी आ सकता है, बाद में मैं फिर से वो मैट्रिक्स पढ़ूंगा तो मुझे इधर लिंक हो जाएगा, मतलब समझ में आएगा कि हाँ ये इसलिए हो जो रहा जो भी एक बेसिक जो चीज है ना, जो हमने स्कूल टाइम पे पढ़ी थी, एक बार आप वो पढ़ लेंगे तो हाँ इसका हमारा पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पूरा जाएगा। क्लियर हो जाएगा वही। मेनली अभी तो हम लोग जो इसकी कैलकुलेशन है ना, तो हाँ मेनली तो बस अभी वही तो रहा हूँ मैं कि हाई सी कैलकुलेशन वो हाँ कैसे होती है मेनली। तो मैं मैट्रिक्स के बारे में मैं जैसे जहाँ तक मैंने सुना था, जो मैट्रिक्स जो करते थे ना हाँ उनसे वैसे जैसा तो सुना था, तो मैट्रिक्स हम लोग को उधर समझना पड़ेगा, फिर मैक्सिमम तो मैट्रिक्स है इधर कुछ ऐसे इतना काम नहीं आता है, ये सब मैट्रिक्स ऑलरेडी बना के रखा है, जैसा अभी तूने डिकम्पोज डिकम्पोज मैट्रिक्स बताया ना, हाँ वो एक बंच ऑफ मैट्रिक्स है, ऑलरेडी एक नोड बना के रखा है लोगों ने, उसके अंदर वो या जो 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 कनेक्शंस उधर हम लोग सीखते हैं ना वो इसके अंदर ऑलरेडी बना के रखा है, ये हाँ डिकम्पोज मैट्रिक्स जो है ना, ये जो डिकम्पोज कम्पोज मैट्रिक्स हम लोग को रीडिफाइन में एक फिरंग बंदा हम लोग को अश्योरिटी था वो सिखा रहा था ओके डिकम्पोज कम्पोज मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। वो जी कम्पोज मैट्रिक्स के बारे में उसने क्या पढ़ाया, क्या हम लोगों ने बनाया है, वो मेरे पास है, मैं तेरे को फाइल भेजता हूँ, तेरे को समझेगा। ठीक एक है नोड के थ्रू उसने डिकम्पोज मैट्रिक्स के थ्रू एक जॉइंट चेन के साथ उसने कुछ खेला है, क्या मतलब मतलब जैसा एक स्पाइन एफ के चेन बनाया है उसने। एफ के चेन बनाया। ठीक है वो कोई इशू नहीं, वो अभी आप भी अभी बना लोगे इसके बाद जब आपको आप जो आगे के इसके फिर नहीं, चेन से। मतलब हाँ क्या है ना, चेन मतलब क्या है ना, तेरे को वो प्रॉपर ट्विस्ट मिलेगा उसमें, समझ रहा है, मतलब ट्विस्ट जैसे मतलब हमारा आई आई के स्पाइन स्पाइन में कैसे हम लोग एक प्रॉपर ट्विस्ट मिलता है, हाँ जैसे हम लोग रोटेट करते थे ग्रेजुअली वन बाय वन जॉइंट रोटेट होता है, हाँ वैसे राइट ही वो भी जॉइंट इसमें इसे रोटेट होता है, वो कुछ तो है, मैं रेडिएशन में पढ़ा था वो टाइम पे, मेरे लिए बाउंसिंग गया, मैंने उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने वो स्क्रिप्ट मैंने टाइप 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 करके मैंने जो क्लास से बता रहा था वो मैंने स्टडी किया था, वो मैं तेरे को बताता हूँ किसी दिन। हाँ ठीक है, मेरे को वो भी देना, मैं उसको देखूंगा मैं बैठ के एक बार क्या चीज क्या उन्होंने। हाँ ठीक ठीक है चलेगा है तो अभी चलेगा हम फिलहाल में चलते हैं इसके ऊपर। ओके आपको अभी फिलहाल में ये पता है मैट्रिक्स इन्वर्स मैट्रिक्स पेरेंट मैट्रिक्स और वर्ल्ड मैट्रिक्स और वर्ल्ड इनवर्स इनवर्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ये सब पता है आपको? नहीं पता मैं कोई कोई चीज को यूज किया हुआ है इसके लिए, कौन सा क्या बोलते हैं उसको बाइंड पैरामीट्रिक्स के लिए यूज किया हुआ ठीक है, ये वर्ल्ड इनवर्स मैट्रिक्स हम लोगों ने बहुत बार यूज किया हुआ है, वर्ल्ड है। मैट्रिक्स भी बहुत बार यूज किया हुआ है, पेरेंट मैट्रिक्स भी,
बहुत बार यूज किया हुआ है, ठीक ओके है, बट एग्जैक्टली ये क्या चीज है वो हमको नहीं पता है ना, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो मैंने किया इसका डुप्लीकेट, ठीक है, और मैं इसको और इसको मैंने किया माइनस। तो मैट्रिक्स का हमारा क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन कर देता है। अगर मैं इसका आउटपुट लेके मैं अगर इसके अंदर इसका वो जो प्लस जो है ना उसको खोल दे तो डायरेक्टली कनेक्शन कर पाएगा। नहीं, मैं कुछ और देख रहा था, एक मिनट, शो ऑल एट्रीब्यूट। हाँ, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ ऐसे। अदर ऑफसेट पेरेंट मैट्रिक्स, ठीक है, मैं अभी क्या कर दे रहा हूँ, फिलहाल मैं इसको कर दे रहा हूँ 0, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसके अंदर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ग्रिड पे मेरा ऑब्जेक्ट है ये वाला, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट जो है, इसने क्या करा, डायरेक्ट जो भी कनेक्शन होते हैं ना, हम जैसे यहाँ पे करते हैं ना कनेक्शन जनरेटर के अंदर, ट्रांसलेट टू तो ट्रांसलेट, रोटेट टू रोटेट, और स्केल टू स्केयर, जो भी होता है, ठीक है। इसने सिंपली वही करा, बस डायरेक्ट वो दे दिया कनेक्शन, ठीक बराबर। हाँ है। अगर हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट भी देखेंगे ना, तो वो भी यहीं पे है अभी फिलहाल में, क्योंकि ये तो पूरा इसको तो फॉलो कर रहा है पूरा। तो मैट्रिक्स हमारा क्या एग्जैक्टली, तो मतलब जो भी हमारी वो हो रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कंबाइंड होके हमने, हम लोगों ने उसको बोला है मैट्रिक्स, ठीक है। ओके तो अभी जो भी इसके अंदर की हमारी वो हो रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो वो इसको कर रहा है ट्रांसफर, ठीक समझ गया। हाँ है। तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। यस और इन्वर्स मैट्रिक्स के अंदर क्या करता है, ये इसका अपोजिट कर देता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये अपोजिट आएगा, इन्वर्स का मतलब वही हो गया ना कि उसका उल्टा होगा। अगर मैं, इनवर्स उल्टा उल्टा होगा। हाँ हाँ राइट, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा नीचे जाएगा, इसको नीचे लेके जाऊंगा ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो यह उसका अपोजिट ही वर्क करेगा, चाहे मैं कुछ भी कर बस दूँ। समझ गया, उधर प्लस जाएगा उधर माइनस जाएगा, बस हाँ राइट सिंपल। राइट राइट, ठीक है। बस मैं अगर इसको यहाँ लेके गया, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ना, ये अलग ये समझ गया। हाँ हाँ मैट्रिक्स और इन्वर्स मैट्रिक्स क्या इनवर्स करता है, इनवर्स। हाँ ठीक है। अब अगर मैं क्या कर दे रहा हूँ, अब मैंने इसके ऊपर बनाया एक ग्रुप, ठीक है। और अभी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्ल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। वर्ल्ड आपने कभी देखा होगा ना कि अपना ये क्या होता है, अगर मैं कुछ भी करता हूँ वर्ल्ड और लोकल, यस यस क्या होता हाँ है वर्ल्ड हाँ में, क्या होता है जो अभी हमारी एग्जैक्ट वर्ल्ड पोजीशन जो होती है ना, ग्रिड का पोजीशन होता है। हाँ हाँ, मतलब जो भी हमारी एग्जैक्ट उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती हाँ है ना। तो हाँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने सिर्फ वर्ल्ड में ऐड कर दिया इसको, ठीक है। ओके अभी वो कहाँ गया, इसी के पास, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा मूव कर दे रहा हूँ दिखाने के लिए आपको, ठीक है। तो सेम लाइक द मैट्रिक्स अभी ये वर्क करेगा, जो भी मैं इसके अंदर कर रहा हूँ वो करेगा। बट इसके अंदर क्या होता है, वर्ल्ड मैट्रिक्स में अभी क्या है, मेरा जो ये जो ग्रुप है ग्रिड पे है,
बराबर। और तो ये ऑब्जेक्ट इधर है मेरा, ओके ठीक है। अब मैं अगर मैं इसको भी करूंगा ना मूव, तो भी ये एग्जैक्टली इसके साथ मूव जाएगा। तो क्यों हो मूव रहा हो है। रहा है? क्योंकि जो इसका मतलब जो इसकी पोजीशन है, मेनली पोजीशन कहाँ पे है, इसके साथ है ना, हाँ बराबर, तो बराबर है ना। ना समझ, जैसा हम लोग हाँ नॉर्मली एक कंसेंट डाल के अभी करते हैं तो भी सेम वर्क करता है ना, सेम ना हाँ राइट राइट राइट। बस इसका बस वही ग्रुप। हाँ समझ है गया। कि मैं इसको इसी के साथ भी जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा। यस यस, मतलब वो ग्रुप पेरेंट हो गया, स्पेयर वन चाइल्ड और वो उसका चाइल्ड, मतलब जैसा हम हाँ लोग पेरेंट कर रहे हैं। हाँ राइट राइट, ठीक है। और इनवर्स के अंदर बस वही उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको मूव करूंगा तो भी वो अपोजिट वर्क करेगा, इसको मैं मूव करूंगा तो भी वो अपोजिट ही वर्क करेगा। ओके वो ग्रुप पेरेंट या कोई भी हो वो ऑपोजिट वर्क करेगा। हाँ, इन्वर्स का मतलब वही है कि वो वर्ल्ड का इन्वर्स जाएगा। प्री गया। बाइंड मैट्रिक्स के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है कि जो भी हमारा मतलब कनेक्शन होते हैं ना, हाँ ठीक है, वो मेनली उसके साथ उसको क्या होना चाहिए कि वो डबल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ बट हम लोग करते क्या है, इसका ये देते हैं ना इनवर्स मैट्रिक्स, तो वो डबल ट्रांसफॉर्म होने की वजह नेगेटिव वर्क करता है। ओके okay, मतलब आगे डबल जाने से आगे जगह पे वो नेगेटिव कर रहा है, हाँ जैसे हम तो वो, लोग समझ गया, हम लोग मल्टीपल डिवाइडर में जैसा फेशियल के लिए डालते हैं वैसा। हाँ राइट राइट, तो वो उसी के साथ जाता है, ठीक है। और यहाँ तक आपको हो गया ना क्लियर? ये क्लियर हो गया। हाँ हाँ ठीक है। अब हम आते हैं तो पेरेंट मैट्रिक्स पे। ये अपने नाम से ही बता रहा है कि पेरेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या, जो भी इसका ऑब्जेक्ट का तो पेरेंट है, हाँ यानी ये इसकी वो लेगा पोजीशन, ठीक है। अगर मैं ओके ओके इसको हाँ इसके साथ में कनेक्ट किया तो ये क्या करेगा, इसके साथ जाएगा प्रॉपर, ठीक है। अगर मैं ये वाले ऑब्जेक्ट को अगर मैं कर दे रहा हूँ तो 0, तो आप देखेंगे कि ये इसकी पोजीशन पे आ गया, ओके ग्रुप की पोजीशन पे, क्योंकि जो पेरेंट तो ये है इसका, समझ गया। इसने पूरे इसका पोजीशन ले लिया, हाँ ठीक है। अगर मैं इसको मूव करूंगा तो इसके साथ जाएगा, बट तो वो इसके साथ नहीं इसके जाएगा, बन नहीं जाएगा क्योंकि जाएगा, ये पेरेंट का ले रहा है पूरा। मैं समझ गया, मतलब वो ग्रुप के अंदर आ गया, ये स्पेयर हाँ के अंदर नहीं है। हाँ ठीक है। और इन्वर्स के अंदर बस वही अपोजिट वर्क करेगा। ओके पेरेंट का रिवर्स जाएगा, हाँ, पेरेंट के रिवर्स जाएगा, बट इसका तो कुछ है ही नहीं, इससे नहीं कुछ तो नहीं फ्री है ये जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। और जो एक्स फॉर्म मैट्रिक्स है ना, तो मुझे इसका भी एग्जैक्ट अभी नहीं पता क्या है, बट ये सेम लाइक ऐसे ही रहता है, जैसा ये मैट्रिक्स है ना ऐसे ही रहता है ये। अगर मैं इसको साथ कर दूंगा ना, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसको मूव करूंगा तो इसके साथ वर्क करेगा, उसके साथ भी शायद, हाँ इसके साथ नहीं वर्क करेगा क्योंकि ये मैट्रिक्स के लिए वर्क करता है, हाँ ठीक है। मतलब मेरे एक्स फॉर्म को क्या हो गया, ये जो है ना एक्स फॉर्म जो है ये है बराबर, स्पीयर वन तरह एक्स फॉर्म है तो हाँ, उसको फॉलो करेगा वो। तो बट अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स का ऑप्शन है तो यहाँ फिर ये एक्स फॉर्म मैट्रिक्स इन्होंने क्यों दिया हुआ, मतलब क्यों कुछ वो तो चीज होगा, क्यों? कुछ तो होगा ताकि वहां पे वो कोई कोई जगह पे लगता रहेगा कि वो डबल ट्रांसफॉर्म ना हो, या कुछ तो रहेगा उसके अंदर। हाँ जैसा अपना पेरेंटिंग तीन टाइप पे कर सकते हैं हम लोग, एक नॉर्मली बात करेंगे तो एक कंसेंट पेरेंट करेगा बराबर, हाँ बराबर राइट, एक करेगा कनेक्शन से, कनेक्शन एड्रेस से जो कनेक्ट करता है, और तीसरा राइट हो गया तो वो ग्रुप के अंदर डाल देगा, वो पेरेंट का अंदर डाल देगा, हाँ तो तीनों तीनों इक्वल काम करेगा। हाँ लेकिन 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 क्या होता है, जिसके साथ किसका कनेक्शन है वो चीज को ही तो मूव करेगा तो उसका चाइल्ड मूव होगा, उसका ग्रुप करेगा तो कनेक्शन एड्रेस से वो मूव नहीं होगा हाँ बराबर बराबर बराबर। कंसेंट से क्या होता है,
वो चाइल्ड के साथ तो कंसेंट दे देगा, उसका ग्रुप बना या उसका अपर ग्रुप बना तो भी वो इसके साथ फॉलो करेगा, क्योंकि वो कंसेंट पेरेंट इसके साथ नोट के साथ कनेक्टेड है। फंडा मतलब तीनों फंडा यही है, समझ हाँ रहे हैं? मतलब लेकिन समझ गया, लेकिन वो वैसे ही कुछ इसका रहेगा। कुछ रहेगा, मतलब वही मेरे को जितना पता था मैं आपको बस वही बता रहा हूँ, किसके आगे का मुझे भी नहीं पता ये ऐसा, मतलब इसका और हाँ क्या नहीं, ऑप्शन मुझे है अभी ये इसका। इतना बेसिक मुझे जाना जरूरी था, अब आगे जाके मैं एक और किसी से पूछूंगा। हाँ मतलब आपको इतना क्लियर हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। ठीक हाँ है हाँ क्योंकि हम लोग देख, ये अपना रोज का काम है ना, हम लोग रोज ये हाँ काम करते हैं। अभी कोई नया बंदे को माया में बिठाएगा तो उसको बताएगा, उसको बौंस जाएगा। बिल्कुल अभी हम लोग क्या इतना साल से खेल रहे, कनेक्शन कंस्ट्रेन पेरेंटिंग ग्रुपिंग ये ऑलरेडी खेल रहे, तो इसलिए हम लोग ये फंडा इधर क्लियर हो रहा है, हाँ, वही है। नए को नहीं समझ में आएगा ये, बहुत बाउंस मारे नहीं यार। समझ में आएगा ये क्या बोल रही है, ट्रांसलेट क्या होता है, ये क्या होता है, वो नहीं समझेगा। अभी हम लोग क्या ना, इतना साल से हम लोग तो यही चीज कर रहे हैं, हम लोग अलग वे में कर रहे हैं। अलग वे में जो हम लोग कंस्ट्रेन करके करते हैं ना, इसमें फाइल साइज हैवी हो जाता है, इस पे तेरा हैवी नहीं होगा, हाँ राइट, ठीक है? अभी मुझे तेरा एक काम आएगा, मैंने जो बाइंड प्रोमेट्रिक्स जो बनाया है ना, हाँ वो फाइल एक बाइंड प्रोमेट्रिक्स तेरे को करके देता हूँ, उसमें ओके लेकिन फाइल हैवी होता है, वो तेरे को समझना पड़ेगा। क्यों? तभी तेरे को उधर वही कनेक्शन तेरे को मिलेगा ना, हाँ वो कनेक्शन से तू समझेगा। लेकिन ठीक उसमें एक फंडा मुझे बता, है। अब हाँ जरा ये मैट्रिक्स हो गया, क्या हो रहा है इसमें? अभी तो मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ अभी आपको बेसिक ही बता रहा हूँ, अभी तो आपका ये पूरा नोट चलेगा ठीक अभी। है हम लोग जाते हैं, ये इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर बाद में उधर आते ठीक है चलो, तो आपको और आपको ये पता है क्या ये क्या होता है, ऑफसेट पेरेंट मैट्रिक्स? हैं। हाँ तो अभी उसके रिवर्स जाता ना, नहीं, ऑफसेट पेरेंट मैट्रिक्स पूछ रहा हूँ मैं, ऑफसेट नहीं पेरेंट नहीं मैट्रिक्स। बताऊँ, नहीं बताऊँ। ठीक है ये भी बता देता हूँ मैं आपको, अभी मैं इसको निकाल दे रहा हूँ बाहर सिंपल, और मैं इसको कर दे रहा हूँ डिलीट। ठीक है अभी क्या हुआ कि ये इसका पोजिशन पे आ गया हाँ और राइट, बट मैं इसी का पोजीशन ले रहा, मैं इसको भी लेके जा रहा हूँ तो मैट्रिक्स पे। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और मैं इसका कर दे रहा हूँ दोनों का डुप्लीकेट। ठीक अब मैं क्या करूँगा, इसको इसको चेंज कर रहा हूँ, अभी मैंने इसको करा मेंटेन ऑफसेट ऑफ करके अप्लाई, स्नैप तो हो ये जाएगा। हाँ इसकी पोजीशन पे पहुंच गया, सॉरी इसकी पोजीशन पे पहुंच गया हाँ ये। ठीक है, और अब मैं इसको आपको सेंड कर दे रहा हूँ, और अगर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ फिर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस इसका मेंटेन है। ठीक मेंटेन है। हाँ है लेकिन पेरेंट है। हाँ, तो सेम चीज इसके अंदर होता है हमारा ऑफसेट पेरेंट मैट्रिक्स के अंदर। अगर मैं भी, मेरे को पता नहीं कनेक्शन पूरा मतलब अभी आपको मैं एक तरीके से और समझाता हूँ, अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, अभी उस चीज के ऊपर आप वो मत देना, ध्यान मत देना। ठीक है, अभी आप सपोज करो मैंने एक नोड बनाया है, मल्टी मैट्रिक्स, और बनाया है एक नोड बनाया है डिकम्पोज, इसका डिकम्पोज रिकॉर्ड में। बन रहा है ना, इसका वीडियो बन रहा है ना? हाँ वेरी ठीक है, गुड। अभी मैं इसके अंदर इसको लेके जा रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर से लेके गया मैं इसके अंदर। ठीक है, इसका नहीं बता रहा मैं ये आपको क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, बट आपको बस दिखा रहा हूँ अभी हो क्या रहा है। अभी अगर आप देखेंगे अभी मैंने क्या करा, मैं अभी इसको मैंने कर दिया सिर्फ ब्रेक, अभी अगर मैं इसको देखूंगा ना,
क्या हुआ इसको मैं नहीं, उसमें एक्स्ट्रा स्पेयर रहेगा ना, उसको डिलीट कर देना, तो कंफ्यूज करेगा। तो मेनली अभी क्या हुआ, इसका डायरेक्ट जो ट्रांसलेट टू का ट्रांसलेट हुआ है कनेक्शन, ठीक है, तभी शायद मैंने ये कनेक्शन फिर से करके बता सकता है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। अभी आप इस चीज को ध्यान मत दो, अभी मैं आपको सिर्फ कुछ और चीज दिखा रहा हूँ। हाँ okay. इस चीज में ध्यान मत दो, अभी मैंने क्या कनेक्शन क्या किया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा जाके। अभी बस मेनली तो मैंने क्या करा, मैं अगर इसको जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे ना, अभी इसका शायद ओरिएंटेशन चेंज हुआ है, ठीक है, तो उस वजह से वो अपोजिट वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको देख रहे हैं आप, मतलब डायरेक्ट मैंने वो कर दिया कनेक्शन एक तरीके से, ठीक है, ये और एक ये, ठीक है। तो अभी बट अभी क्या हुआ कि जो इसकी ट्रांसलेशन थी ना लॉक्ड हो गई है वो, ठीक है। तो अभी मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं दे सकता ना, ट्रांसलेट तो दे ही नहीं सकता, ठीक है, लॉक्ड हो गया, लॉक हो गया। तो बट मैंने अभी इसको करा ब्रेक और मैं इनको लेके गया दोनों को ग्रिड पे। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी इसके मैट्रिक्स में वैल्यू आ गया, ठीक है, बट मैं इसको इसीलिए वो अलग अलग ट्रांसलेट कर रहा था, ठीक है। अभी मैंने क्या करा, अब अगर मैं इसका डायरेक्ट कनेक्शन दे रहा हूँ तो मैट्रिक्स टू ऑफसेट मैट्रिक्स, तो इसका कनेक्शन हो गया है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो रोटेट वगैरह सब कुछ करेगा, स्केल भी करेगा। तब बट अभी इसके अंदर क्या है, हमारे पास इसका जो ये चीज है ना, ये लॉक नहीं है, लॉक नहीं है बराबर। मतलब क्या कि अगर हमें कुछ ऑफसेट का देना है ना, तो हम मतलब जैसे क्या होता है, अगर हम ऑफसेट कोई बनाते हैं ना, ग्रुप भी अगर कोई तो बनाते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, हमारा जो भी कनेक्शन होता है ग्रुप पे होता है बराबर, जो भी हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल फ्री रहता है ना। सेम केस में हमारा कनेक्शन हो गया है, बट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल तो फ्री है। मैं इसको जो कैसे भी वर्क करवा सकता हूँ, रोटेट भी करा सकता हूँ, प्लस में स्केल भी करा सकता हूँ, बट okay. मैं इसको भी अगर वो करूंगा मूव, तो अभी भी वो एग्जैक्टली तो वैसे ही वर्क करेगा। मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ या स्केल कर रहा हूँ, तो अभी वो बिल्कुल तो वैसे ही वर्क कर रहा है, ओके ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, यस यस, ठीक है, जस्ट लाइक ये इसका बस मैट्रिक्स टू ऑफसेट मैट्रिक्स में कनेक्ट, हाँ ठीक है, ये ऑफसेट के ऊपर देता है कनेक्शन, ठीक है। आपको यहाँ तक हो गया क्लियर? यस यस हाँ। और अभी मैंने इसको कर दिया जीरो, तो ये अभी देखेंगे तो इसी के ऊपर बिल्कुल स्नैप हो गया है बिल्कुल, है ना। तो आपको ये तो था बेसिक्स का, और अभी हम लोग चल रहे हैं इसके ऊपर, मतलब जो इसका यूटिलिटी है ना नोड, इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। अभी देखे अगर आप यहाँ देखेंगे ना, मैट्रिक्स मैथ इन माया, ठीक है, देखिए इसमें दिखा रहे हैं, तेरा माउस पॉइंटर को चिल नहीं रहे। अच्छा नहीं दिख रहा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दोबारा से लगता वो इसका टाइम खत्म हो गया। नहीं टाइम खत्म नहीं हुआ एक्चुअली, हाँ दिख रहा है मेरा, अभी दिख रहा है हाँ। अगर आप इसके अंदर भी देखेंगे ना, मैं अगर दिखा रहा हूँ तो इसके अंदर आप पढ़े क्लियरली लिखा हुआ है माया तो यूजेस मैट्रिक्स मैथ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट लीनियर पोजीशन, मतलब उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको ओरिएंटेशन को, ओके, जो एग्जैक्ट उसका जो स्पेस है उसके अंदर वो करता है कैलकुलेट, ठीक है, इसको हम लोग बस वो बोलते हैं मैट्रिक्स मैथ।
तुम्हारा मैट्रिक्स और जो भी सबका अपना अलग अलग है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। ये तो किधर से टाइप करके निकाला है किधर भी? नहीं ये इसका माया का वो है ना हेल्प पेज है माया का। अगर नहीं, फिर से ये पेज में कैसे गया तू? आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ना तो ओके ओके, मैट्रिक्स गूगल के ऊपर। मैथ, ओके ठीक तो मैट्रिक्स मैथ मैंने सर्च किया। ठीक है अगर आप, और सॉरी मैट्रिक्स मैथ माया, तो ये आप देखेंगे ना वो नॉलेज और डॉट ऑटोडेस्क, तो ये सी की वेबसाइट पे लेके जाएगा हम, या माया की वेबसाइट पे। ठीक ओके ओके हाँ है तो बस इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि इसका वो एग्जैक्ट जो पोजिशन और ओरिएंटेशन और जो भी हमारा स्केल और जो भी उसके अंदर होता है उसकी वो ओके okay। कैलकुलेशन करते हुए अभी तो मुझे बताएगा कि 3D स्पेस क्या है। ओके जो भी इसका एग्जैक्ट स्पेस है, मतलब 3D स्पेस ये हो गया ना हमारा 3D स्पेस, एक्स वाई जी के अंदर कुछ भी हो रहा है हाँ 3D स्पेस। ओके तो मीन्स ओके जो कि ओके हमारा 3D स्पेस है ना ये पूरा, कि हमारा पूरा एक्स वाई जी तो जो भी हमारा स्पेस हो रहा है उसके अंदर तो जो भी इसके अंदर मतलब तो ट्रांसलेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, स्केल हो रहा है, शेयर हो रहा है, तो उसको ओके कैलकुलेट जो भी पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करने करता है जो, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है अब हम आते हैं इसके ऊपर यूटिलिटी नोड। ठीक है इसको आज ही स्टार्ट करें या मैं इसको आपको कल बताऊं, मतलब नहीं, इसके अलावा और कुछ है बताना। जो अपन बेसिस जो था ना मतलब इसका तो मैट्रिक्स अब वो हो गया है। ठीक है अब ये सिर्फ ओके नोड रहे हैं, जैसे हमारी ये वाली नोड होती है ना यहाँ पे जो भी मैं कर रहा था, ओके, अगर मतलब ये तेरे पास टाइम है तो बता समझ दे, नहीं मैट्रिक्स। तो तेरे पास टाइम नहीं है तो टाइम बता दे, नहीं तो तो सो जा। मेरे पास टाइम की इशू नहीं, क्योंकि इसका ये मीटिंग का शायद टाइम होने वाला है, तो मैं इसको स्टॉप करके दोबारा लिंक भेज दूँ आपको। नहीं हाँ चलेगा, अगर तेरे पास टाइम है तो, अगर फ्री है, अगर तेरे को सोना है तो सो जा। सोना सोना कुछ नहीं है, मतलब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर तो बाउंस ना हो फिर बाद में। ठीक नहीं, अभी अभी तक तो मुझे बाउंस नहीं हुआ, है ठीक अभी तक तो बेसिक तो नॉर्मल था। वो एक बार मैं खुद भी एक बार कनेक्शन करके देखूंगा तो मुझे भी समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ठीक है, तो मैं आपको स्टॉप कर रहा हूँ अभी शेयर। ठीक है है। हाँ, मैं उसका वीडियो जो अभी जो भी वीडियो बना है ना उसको रख दे। उसको मैं उस पर डाल दूंगा तो गूगल के ऊपर। ठीक है तो आपको वहां से लेके दे दूंगा। ठीक हाँ चलेगा, ताकि है मैं वो रिवीजन कर सकता हूँ ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मुझे मेरे लिए वो एक ट्यूटोरियल बन जाएगा। मैं फिर कभी मुझे कंफ्यूजन है मैं ओपन करके देख सकता हूँ। और एक्चुअली अभी मैं यही सोच रहा था कि मैं इसके लिए एक ट्यूटोरियल बनाता तो बैठ के, मेरे पास उतना टाइम होता नहीं है। ठीक है तो जो भी ये रिकॉर्डिंग हुआ है मैं इसको अपने उस पर डाल दूंगा, यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। यस यस ठीक है हाँ, तो आप आराम लेकिन वो क्या होता से, है, मैं भी शायद बीच में बात कर रहा हूँ, वो भी आ जाएगा तो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरे को उसे कोई वो थोड़ी ना कोई मतलब तो प्रोफेशनली थोड़ी ना कर रहा हूँ, ताकि किसी को हेल्प हो जाएगी उससे, यस यस इसीलिए बस। हाँ ठीक है मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है ओके ओके, दूसरा लिंक देता हूँ आपको, 1 मिनट बस। वो सेम लिंक पे क्लिक करना होता है ना? पता नहीं मुझे, हेलो, नहीं, बट सेम लिंक पे। उस दिन भी मैंने किसी को लिया था तो सेम लिंक पे मैंने